नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर लगातार बात करें, जम्मू कश्मीर से महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे थे, वहीं तो बालिक बच्चियों के साथ भी अश्लीलता के मामले सामने आ रहे थे। कभी वर्क यानी कहीं घर पे कहीं पे या कभी यानी कि स्कूल में छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था और मामले भी दर्ज हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक चुका देने वाला मामला जम्मू के दुमाना इलाके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया, जहाँ पर आज महिलाओं या बच्चियों के साथ यानी कि अश्लीलता हो रही, वहीं पर आज एक नाबालिग युवक के साथ भी अश्लीलता का मामला सामने आया। यानी कि हम किस ओर जा रहे हैं, समाज को लेकर जा रहे हैं, किस ओर, किस तरह की मानसिकता हमारी है, बताना चाहेंगे कि एक परिवार के युवक और परिवार वालों ने दुमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मामला दर्ज करवाया। मामला ये था कि एक युवक जो नाबालिग था, जिसकी लगभग उम्र बताई जा रहा है 10 से 10.5 साल के बीच की उम्र थी, उसके साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है। और ये भी जो पुलिस के साथ मिली जानकारी के आधार पर, सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची, बताया ये जा रहा है कि जो 3 युवक थे जिसका यानी कि तीनों ने जिसके उस युवक के साथ अश्लीलता की है, ये बताया जा रहा था कि वो तीनों में से दो युवक माइनर थे यानी कि नाबालिग थे और एक जो था हाल ही में उसने यानी कि वो बालिग हुआ था, यानी कुछ ही महीने एक आध महीने पहले वो बालिग हुआ था। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता कि अभी वो भी यानी कि बालिग ही हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि वो तीनों युवकों ने उस नाबालिग युवक के साथ अश्लीलता की है, जिसके चलते दुमाना पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसी के चलते पुलिस ने जल्द दर्दबज शुरू की और लगभग 24 घंटे के अंदर उन तीनों यानी के आरोपियों को पकड़कर यानी कि हिरासत में ले लिया गया है। आखिर जम्मू में इस तरह की वारदातें पहले देखने को नहीं मिलती थी, अब लगातार इस तरह की अश्लील हरकतें हो रही हैं, जहां पर हमारी बच्चियां सेफ नहीं, बच्चियां या बहन बेटियों के साथ इस तरह से अश्लीलता हो रही है, वहीं अब हमारे भाई या बेटे भी सुरक्षित रही हैं। ये पहला मामला नहीं जम्मू में, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आए हैं और इसी के चलते मामले भी दर्ज हुए हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि मानसिकता यानी किस तरह की मानसिकता और किस ओर हम मानसिकता हमारी जा रही, समाज में हम किस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण क्या है, ये बहुत ही जरूरी है और गंभीरता से इन चीजों पर काम करना भी समाज के लोगों को, सिविल सोसाइटी को, पुलिस को और अन्य जो संगठनों ने काम करने की आवश्यकता है, ताकि इन युवाओं को काउंसलिंग हो और जो इस तरह की मानसिकता रखने वालों को किस तरह से इन्हें इस दायरे में लाया जाए, ताकि इस मानसिकता को दूर रखा जाए। यानी कि मामला दुमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है और पुलिस ने जो जानकारी हमें दी है और हमने आपके समक्ष रखी कि एक नाबालिग बच्चे के साथ अश्लीलता हुई है और अश्लीलता करने वाले भी जिनमें से 2 नाबालिग और 1 हाल ही में बालिग हुआ है, वो भी फिलहाल नाबालिग ही था तो हाल ही में बालिग हुआ, 3 जो युवक थे उन्होंने एक नाबालिग के साथ अश्लीलता की। जब उस नाबालिग ने अपने घर वालों को जाकर ये पूरी बात बताई तो घर वालों ने यानी छुपाया नहीं, उन्होंने जाकर तुरंत पुलिस जो कि दुमाना पुलिस में जाकर कंप्लेन दर्ज कराई और उसके चलते ही पुलिस ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसके बाद दर्द शुरू की और उसे तीनों बच्चों यानी युवकों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल ये बताना चाहेंगे जो नाबालिग है, नाबालिगों को फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में यानी पेश किया जाता है अगर इस तरह के नाबालिग जो केसेस होते हैं, पर वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होती है, उन्हें समझाया जाता है, पूरी तरह से उनकी मानसिकता देखी जाती है, उसी के आधार पर यानी फैसले होते हैं। पर कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज समाज में जिस तरह की त्रुटियाँ हैं, समाज में जिस तरह की कमियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं इसका जो एक आस्पेक्ट है ये भी है कि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल, हम बच्चों को पैदा होते ही उनके हाथ में जब मोबाइल थमा देते हैं, और आप भी खुद समझदार है, जब हम मोबाइल खोलते हैं तो कई बार जो ही हम मोबाइल को, फेसबुक को ओपन करते हैं, किस बार कई बार ऐसी ऐसी अश्लील तस्वीरें या वीडियोस हमारे सामने आते हैं जो हम अनचाही होती हैं, जो हमने कभी ओपन भी नहीं की होती है, तो किस तरह से कई बार हम खुद भी शर्मिंदा हो जाते हैं या आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसी के चलते लोग क्यों बार बार कहते हैं, बार बार हम लोग भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, कई बार काउंसलिंग भी होती है,
टीचर्स भी कहते हैं, कई बार पुलिस के पास ऐसे मामले आते हैं, तो बार बार ये कहते हैं कि बच्चों से छोटी उम्र में, बचपन से ही बच्चों से मोबाइल को बच्चों से दूर रखना चाहिए और दूर रखना भी चाहिए। क्योंकि शुरू में जब हम बच्चों के हाथ में छोटी उम्र में मोबाइल थमा देते हैं तो ऐसी चीज़ें होना संभव है, क्योंकि उनकी मानसिकता उसी तरह से विकसित होती है जिस तरह की चीज़ें उनके आसपास हों। तो इसी तरह से बताना चाहिए कि मोबाइल के अच्छे अगर फ़ायदे हैं इंटरनेट के, तो वही दूसरी तरफ बुरे प्रभाव भी है। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह का ज़माना है, अच्छी चीज़ों से हम कम प्रभावित होते हैं, बुरी चीज़ों का इम्पैक्ट यानी उसका प्रभाव हमारी लाइफ में ज़्यादा पड़ता है। और छोटी उम्र में बच्चे बुरी चीज़ों को जल्दी यानी ऑप्ट करते, जल्दी उनकी तरफ खिंचाव होता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि छोटी उम्र में ही उन्हें बच्चों को मोबाइल ना दे। बच्चों को जब 12वीं, कम से कम 12वीं तक उन्हें मोबाइल ना दिया जाए, अगर मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो तो उसी समय जब उनकी क्लासेस हो तभी मोबाइल दिया जाए। कहीं ना कहीं हम समाज में, अगर समाज को कुछ दे नहीं सकते तो समाज में लेने की भी कम उम्मीद कहाँ पर रखें। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी एक सबका मिलकर ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को, अगर हम इन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, एक कदम हम बढ़ाना ज़रूर चाहेंगे आपस में मिलकर। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कहेंगे, अगर त्रुटियाँ तो यही हैं कि मोबाइल इंटरनेट आजकल जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना है, बच्चा अभी छोटा ही होता। हमने कई बार कई घरों में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी उनकी साल एक उम्र होती या 2 साल या 3 होती है, तो माता पिता बच्चों के, हमने देखा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और जी ये खाना नहीं खाता या दूध नहीं पीता, हमने खुद इसका अनुभव किया है। वो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है, मोबाइल के बिना दूध नहीं पीता है। तो आदत किसी चीज़ की हो, किसी भी चीज़ की हो, बुरी या अच्छी, अगर वो पड़ जाए उससे छुटकारा दिलाना बड़ा ही मुश्किल है। ये उन्हीं चीज़ों का प्रभाव होगा, तो इसे मिलकर हमें काम करना होगा। फिलहाल ये बुरी खबर ही हम कहेंगे, बड़ी एक शर्मनाक खबर है, पर ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अगर असर है तो हम लोगों को मिलकर, माता पिता को, समाज के लोगों को, स्कूल को इस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि मिलकर, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो गाइडेंस जो है वो माता पिता के मोबाइल से बच्चों को छोटी उम्र में दूर रखें, ताकि इस तरह की चीज़ें उन पर प्रभाव ना पड़े। तो ये मामला जो दुमाना पुलिस स्टेशन का था कि एक नाबालिग बच्चे के साथ अश्लीलता हुई है, क्रूरता ही, वो भी 3 युवकों ने की, जिसमें से 2 नाबालिग और 1 हाल ही में बालिग हुआ। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उन 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।